गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रिधिमा मिस, योर एसएसटी टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक स्केल. इसके लिए मैं पहले आपको नोट्स दिखाती हूँ. स्केल, आज हम लोग स्केल के बारे में पढ़ेंगे. इसके पहले वाले में ग्लोब्स, मैप, इन सब के बारे में हम लोग जान गए थे. ये देख लिए थे हम लोग कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, ठीक है, और मैप्स का कितना टाइप होता है, ठीक है. अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्केल क्या होता है. स्केल इज यूज टू शो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेज ऑन अ मैप. इट इज यूजली मैंशन इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप, ठीक है. तो स्केल जो है बेसिकली मैप में यूज किया जाता है दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस बताने के लिए, कि दोनों प्लेसेस कितनी दूरी में है, उनके बीच की डिस्टेंस बताने के लिए स्केल का यूज किया जाता है. और ये जनरली मैप के एक कॉर्नर में मैंशन किया होता है, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं साइंग एंड साइम्बॉल पर. साइंग एंड साइम्बॉल का यूज किया जाता है मैप में, मैप में मार्क करने के लिए सिटीज, कैपिटल, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जैसे हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, टेम्पल है, ये सब चीज़ें अगर मैप में शो करना है तो उसके लिए साइन का या फिर साइम्बॉल का यूज करना पड़ता है. क्योंकि पहले ही बताया था मैंने कि मैप में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता कि हम एग्जैक्ट पिक्चर किसी भी चीज़ का ड्रॉ कर सके, तो इसके लिए हम लोग साइन या फिर साइम्बॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अगर फॉर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी, जैसे कंट्री कैपिटल अगर दिखाना है तो हम इस टाइप का साइन यूज़ करेंगे. सिटी अगर कोई दिखाना है तो ऐसा साइन यूज करेंगे. रेलवे स्टेशन अगर दिखाना है तो हम लोग आरएस लिखा होता है. तो ये साइन या फिर ये साइम्बॉल देखकर भी हम समझ जाते हैं कि अच्छा, मतलब सर्कल बना, मतलब यहाँ पे कोई सिटी है. रेलवे स्टेशन का अगर आरएस लिखा तो मतलब यहाँ पे जरूर कोई रेलवे स्टेशन होगा, ठीक है. इन शॉर्ट, साइन एंड साइम्बॉल जो है मैप में यूज किया जाता है किसी भी चीज को, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क को लोकेट करने के लिए, जैसे सिटीज, कैपिटल, रोड्स, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, इन सब जगहों को लोकेट करने के लिए साइम्बॉल का हम यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलर्स ऑन अ मैप. अ मैप ऑल्सो यूजेस डिफरेंट कलर्स टू डिपिक्ट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज. जनरली मैप फॉलो अ कॉमन कलर स्कीम. ऑल वाटर बॉडीज आर रिप्रेजेंटेड इन शेड ऑफ ब्लू. डार्क ब्लू मीन्स डीप वाटर, वेयर एज लाइट ब्लू मीन्स शोज शैलो वाटर, ठीक है. मैप में ये तो साइन एंड साइम्बॉल जान गए. अब मैप में जो है कलर्स का भी यूज करते हैं हम लोग. कोई भी मैप बनाए, फिजिकल, पॉलिटिकल, जो भी मैप हम बनाते हैं, जनरली फिजिकल मैप जब हम बनाते हैं तो उसमें जो भी हमें इंडिया का जो फिजिकल फीचर शो करना पड़ता है, जैसे माउंटेन शो करना है, प्लेट्यूज वगैरह अगर शो करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं. वो कलर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि उसे इंडिकेट हो कि वहाँ पे क्या चीज है. जैसे अगर हम लोगों को माउंटेन शो करना है कि यहाँ पे माउंटेन है, तो उसके लिए हम लोग ब्राउन कलर, माउंटेन के लिए डार्क ब्राउन कलर भी यूज किया जाता है. डेजर्ट एरिया शो करना है कि यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, तो उसके लिए हम लोग येलो कलर यूज करते हैं. प्लेन एरिया शो करना है कि यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन है, तो प्लेन एरिया अगर शो करना है तो हम लोग ग्रीन कलर का यूज करते हैं. और वैसे ही अगर रिवर, ओशियंस वगैरह शो करना है, जैसे मैप हम लोग इंडिया का ही मैप बनाते हैं, तो दो तीनों साइड में जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन बनाते हैं, तो उसको ब्लूइश कलर से कलर किया जाता है. तो वाटर बॉडीज अगर शो करना है, रिवर, ओशन वगैरह, तो उसके लिए हम लोग ब्लू कलर का यूज करते थे. ये है मैप का कलर, ठीक है. और हर मैप पे जो है एक की बना होता है जिसको कि लेजेंड भी कहते हैं, जो मैप का साइम्बल अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करता है. ये जनरली मैप के एक कॉर्नर में बॉक्स जैसा, ऐसे बॉक्स जैसा बना रहेगा और उसमें हर साइम्बॉल का मतलब लिखा रहेगा कि ये अगर ट्राइंगल शेप है तो उसका क्या मतलब हुआ, प्लेन अगर है तो मतलब कोई भी साइम्बॉल अगर बना है तो उसका क्या मीनिंग है, वो उस की में लिखा होता है, ठीक है. चलिए चैप्टर तो ओवर हो गया. अब आप लोगों को मैं इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स दिखा देती हूँ, ये तो आपसे बन ही जाएंगे. देयर आर डैश कंटिनेंट ऑन द अर्थ. क्वेश्चन है कि यहाँ पे अर्थ पे कितने कंटिनेंट है, तो ये हम बता सकते हैं कि अर्थ पे टोटल 7 कंटिनेंट है. इसमें से कौन सा मेन डायरेक्शन नहीं है, तो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन तो जान गए कि 4 मेन डायरेक्शन होता है एंड 4 सब डायरेक्शन होता है. मेन डायरेक्शन कौन कौन सा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन सा है. नॉर्थ भी दिया है, ईस्ट भी दिया है, वेस्ट भी दिया है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट है. तो नॉर्थ ईस्ट तो मेन डायरेक्शन नहीं है, ये तो सब डायरेक्शन में आ जाएगा. तो इसको हम लोग टिक कर देंगे कि ये सब डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन नहीं. अ मैप ऑफ वाटर बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाई डैश कलर ऑन द मैप. मैप में जो वाटर बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं वो किस कलर से रिप्रेजेंट होता है, ब्लू कलर से. अभी जस्ट बताया था. द साइम्बॉल यूज टू शो सिटी ऑन अ मैप. मैप में अगर किसी भी सिटी को शो करना है तो किस टाइप का साइम्बॉल होगा, ये नोट्स में भी मैंने ये साइम्बॉल बनाया है. सिटी को अगर शो करना है तो हम लोग स्मॉल सर्कल बनाएंगे, स्मॉल सर्कल का साइम्बॉल होगा. तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल पे हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट है
राइट द नेम ऑफ एनी टू कंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट. अब इस कंटिनेंट में कौन कौन सी दो कंट्रीज आते हैं उसका नेम आपको लिखना है. ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से लिखिएगा. एशिया में का तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें आपका चाइना एंड इंडिया आप लिख सकते हो. यूरोप में कौन सी दो कंट्रीज आते हैं, अफ्रीका में कौन सी दो कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी दो कंट्रीज है, इन सब के नेम आप लिखिएगा. और इसका जो अप्लाई और माइंड था ये भी आप बना सकते हैं. सिक्स कंट्रीज का नेम बताना है जो कि इंडिया से लार्जर है, मतलब इंडिया से बड़े. तो फर्स्ट में आप लिख सकते हो रशिया, उसके बाद कैनेडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बाकी तो सेवन्थ नंबर पर हमारा इंडिया है. उसके बाद एक ऐसे कंट्री का नाम बताइए जो कि एक आइलैंड और एक कंटिनेंट टू भी है. तो ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, बना सकते हो. इसका ऐसे आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा. ठीक है, तो चैप्टर तो ओवर हो गया. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.